जुड़ गए हैं ट्रस्ट म्यूचुअल फंड के सीआईओ मिहिर वोरा। मिहिर जी, गुड मॉर्निंग। एक शानदार मोमेंटम मार्केट में इस समय, अब आपका क्या व्यू है यहाँ पर? गुड मॉर्निंग अनुज, ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। देखिए, मार्केट में तो डोमेस्टिक इकोनॉमी तो ठीक ही चल रही है, होप भी ठीक है कि इलेक्शन के रिजल्ट में कोई बड़े सरप्राइजेज नहीं आए। तो मार्केट की जो करंट पोजीशनिंग तो नो नेगेटिव सरप्राइज वाली पोजीशनिंग है। ओवरनाइट एक जो थोड़ी सी डेवलपमेंट हुई है कि यूएस की जीडीपी ग्रोथ आफ्टर अ लॉन्ग टाइम थोड़ी एक्सपेक्टेशन से कम आई है, तो ये एक जो टेलविंड था उसमें छोटा सा क्वेश्चन मार्क आया है। शायद इसकी वजह से यूएस मार्केट्स भी थोड़ी करेक्ट हुई थी, इंडियन मार्केट्स एंड ग्लोबल मार्केट्स भी थोड़ी वॉलेटाइल रह सकती है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट द जनरल ट्रेंड तो यही है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर सेक्टर की जो बात कर रहे हैं ग्रोथ की, वो कंटिन्यू रहे, वही थीम बन रही है। ओके, चलिए, तो ये इस समय पर ओवरऑल व्यू। अच्छा, आप स्टॉक स्पेसिफिक कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक जनरल व्यू पूछ रहा हूँ इस पर। जो वोडाफोन आइडिया में इतना बड़ा FPO सक्सेसफुली कंपनी ने रेज किया, उसके बाद से जो एक पूरे ग्रुप में एक रैली आई, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? एक क्या एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे रहा है ये ओवरऑल मार्केट को लेकर भी, कि इतना बड़ा FPO पर इतनी स्ट्रांग डिमांड QIBs की तरफ से? देखिए, स्टॉक पे तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक पॉजिटिव चीज ये है कि कैपिटल अवेलेबिलिटी जो है वो काफी अच्छी है, एंड जिस तरह से स्मॉल कैप और मिड कैप में रैली हो रही है, अगर सप्लाई आती है तो मैं कहता हूँ अच्छी बात है, क्योंकि आर्टिस्ट वैल्यूएशन थोड़े रीजनेबल रह सकते हैं। अभी ऐसा हो रहा है कि जिस तरह से म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस प्रीमियम्स वगैरह में पैसा फ्लो हो रहा है NPS EPF में, उस तरह से मेरे ख्याल से इक्विटी इश्यूएंसेस कम है कंपेयर टू द फ्लोज। तो हम देख रहे हैं कि जहां भी अच्छे सेक्टर है, स्टॉक है, वहां पे ज्यादा ही बिडिंग हो रही है, वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच हो रहे हैं काफी सारे पॉकेट्स में। तो एक माहौल बन रहा है कि जहां पे रिस्क कैपिटल की जरूरत है, जहां पे ग्रोथ कैपिटल की जरूरत है, वो कैपिटल अवेलेबल है, एंड दैट इन द लॉन्ग टर्म कैन बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर द इकोनॉमी। मेरे जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। कमोडिटीज को सर आप कैसे हैंडल कर रहे हैं, कमोडिटीज को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? अब चाहे मैं केमिकल्स को लूँ या फिर सिर्फ मेटल्स तक अगर आपने आपको मैं सीमित रखूँ, फेरस नॉन फेरस, मेटल्स प्राइसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडस्ट्रियल मेटल्स में कॉपर का प्राइस आप ट्रेंड देख ही रहे हैं, मेटल्स में आपका सेंस क्या कहता है अभी ये कितना डोमिनेट करेगा अभी? और मेरे ख्याल से एक शॉर्ट टर्म टेक्टिकल ट्रेड हो सकता है थोड़े क्वार्टर्स थोड़े महीनों के लिए। दो तीन चीजें हो रही है, एक तो जैसे हमने कहा कि यूएस की जो ग्रोथ थी, अब कल तो थोड़ा नेगेटिव नंबर आया, बट ओवरऑल यूएस में जो ग्रोथ थी वो काफी स्ट्रांग थी। सेकेंड इज चाइना में भी इंडिकेशंस थे कि चाइना भी धीरे धीरे करके रिकवरी मोड पे आ रहा है, और तीसरा ये भी माहौल बन रहा था कि रशिया से जो एक्सपोर्ट हो रही थी कमोडिटीज की, मेटल्स की एक्सेट्रा, उस पर फर्दर पाबंदी आ सकती है, ज्यादा और पाबंदी आ सकती है, तो एक नॉन रशियन जो सप्लाई डिमांड है वो मेटल्स के फेवर में जाने की उम्मीद है। तो ये दो तीन फैक्टर्स है, चाइना, यूएस और रशिया सप्लाई, उसकी वजह से हम देख रहे थे कि बेस मेटल स्टील कॉपर एल्यूमिनियम वगैरह में एक माहौल तेजी का बन रहा था। मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म डिस्ट्रप्शन की वजह से ज्यादा इम्पैक्ट हुआ है, और चाइना की जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल है कि नहीं वो भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन जब तक ये ऑप्टिमिज्म है तब तक मैंने कहा टेक्टिकल ट्रेड थोड़े महीनों के लिए बन सकती है। केमिकल्स में मेरा व्यू डिफरेंट है, क्योंकि वहां पे मैं लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी, वॉल्यूम ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस कर रहा हूं, तो वो मुझे लग रहा है सेक्टर चाइना प्लस वन की वजह से, यूरोप में से जो प्रोडक्शन इंडिया में आ रही है, वो सारे फैक्टर्स की वजह से केमिकल्स में मैं ज्यादा बुलिश हूं लॉन्ग टर्म के लिए। अच्छा मैं जी, अभी तक आईटी में हम कोई निर्णायक मूव नहीं देख रहे हैं, मतलब पहले टीसीएस आया, वहाँ मार्जिन फ्रंट पे शायद थोड़ा सा हम कंफर्ट थे, लेकिन बाजार प्राइस वाइज कंफर्टेबल नहीं हो पाया, स्टॉक ने स्विंग नहीं दिया, कोलैप्स हुआ। देन इन्फोसिस ने शायद एक बॉटम क्रिएट करने की कोशिश करी, और आज हम टेक महिंद्रा के नंबर्स पर, उनके आई थिंक वर्डिंग्स पर, मतलब जो उनका फ्यूचर आउटलुक है उसके मुताबिक बाजार बहुत हाथों हाथ दे रहा है इस स्टॉक को। आप कंसेंसस व्यू क्या बना रहे हैं इस वक्त आईटी पे, और अगर मैं आईटी को भी बाइसेक्ट करूं, लार्ज कैप आईटी, मिड कैप आईटी, आपका व्यू इस वक्त क्या चेस करने लायक ज्यादा बेहतर है इन अर्निंग्स के बाद? आईटी पे हमारा व्यू नेगेटिव है, क्योंकि अगर आप कोविड के पहले के कुछ वर्ष देखें तो आईटी का जो ग्रोथ था वो सिंगल डिजिट में था,
कोविड की वजह से एक पेंट अप डिमांड या तो एक एक्सेलरेटेड डिमांड आई थी, क्योंकि सडनली ऑनलाइन और ऑटोमेशन की और वर्क फ्रॉम होम की जरूरत पड़ गई थी। तो एक एक 1.5 साल 2 साल का एक माहौल ऐसा आया कि आईटी स्पेंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो उसकी वजह से हमने देखा कि आईटी स्टॉक्स ने आउट परफॉर्म किया। लेकिन अब वो जो एक्स्ट्रा स्पेंडिंग थी कोविड वगैरह के लिए, वो अभी नॉर्मलाइज हो रही है, और मेरे ख्याल से आईटी की बड़ी कंपनीज है वो अगेन सिंगल डिजिट ग्रोथ की उम्मीद कर सकते हैं, हम उससे ज्यादा ग्रोथ उम्मीद नहीं कर सकते। तो ऐसे माहौल में मैं कहूंगा कि जब हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी इतना अच्छा ग्रो कर रही है, तो फिर आईटी सर्विसेज का जो ग्रोथ सिंगल डिजिट का है वो इतना रिलेटिवली अट्रैक्टिव नहीं है। मिड कैप कंपनीज की बात अलग है, क्योंकि वहां पे छोटे बेस पे अच्छा ग्रोथ कर सकती है, कोई स्पेसिफिक सेगमेंट या कोई स्पेसिफिक कस्टमर, कोई स्पेसिफिक वर्टिकल में अगर आपकी एक्सपर्टीज है, तो ऑन अ स्मॉल बेस आप लंबे टाइम तक ग्रो कर सकते हो। तो वहां पे स्टॉक पिकिंग की स्कोप ज्यादा होती है मिड कैप में। तो हम वही कर रहे हैं कि लार्ज कैप आईटी में अंडरवेट रह के मिड कैप आईटी कंपनीज में बिजनेस स्पेसिफिक मॉडल देख के इन्वेस्ट करते हैं। अच्छा, बैंकों पर क्या व्यू बन रहा है मेरे जी? क्योंकि काफ़ी मिक्स बैग रहा है। कोटक में आरबीआई का एक्शन आया, एक्सिस के नंबर्स बहुत शानदार आए, एचडीएफसी बैंक थोड़ा मिक्स बैग रहा, पीएसयू बैंकों में बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। आपका व्यू क्या है बैंकों पर, और कौन से प्रेफर्ड पॉकेट्स हैं आप आपकी यहाँ पर, पीएसयू या प्राइवेट? बैंकिंग में मेरे ख्याल से हम न्यूट्रल टू अंडरवेट देख सकते हैं फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि ग्रोथ तो अच्छी आ रही है और एनपीएस की भी प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल से रिलेटिवली मैं कहूंगा कि अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक में जो आउट परफॉर्मेंस देखी है, तो वो जो बहुत ज्यादा वैल्यूएशन डिफरेंस था वो कवर हो गया है। आई थिंक वी कैन नाउ एटलीस्ट स्टार्ट अगेन फोकसिंग बैक ऑन द लार्ज प्राइवेट बैंक्स, मैं कहूंगा। वहां पे दो तीन बैंक्स ऐसी हैं जैसे जो अच्छी तरह से ग्रो कर रही हैं, जिन पे एनपीएस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक में हमारा एक्सपोजर एक या दो नाम से ज्यादा में नहीं है। एनबीएफसी में भी मैं कहूंगा कि जो स्पेसिफिक बिजनेस मॉडल वाली एनबीएफसी है, जहां पे हायर ग्रोथ पॉकेट्स है, वहां पे हम कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। अभी 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 कुछ देर पहले सीएनबीसी आवाज़ के मंच पर आई थिंक उस क्लीन आउट ट्रेड को लेकर, और आई थिंक उस क्लीन आउट ट्रेड के बाद आई थिंक एक एक जो एक 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 थोड़ा डिफिकल्टीज होती है, थोड़ा सा कम होना, आई थिंक एक सप्लाई कंसर्न्स का ख़त्म हो जाना, एटीसी टेलीकॉम का क्लीन आउट ट्रेड, और अभी डिस्कशन अभी आवाज़ पे हुआ था और निमेश के साथ ही खबर डिस्कस हुई थी अनुज की। लुक एट आइडिया नाउ 1380 रोलिंग में, मतलब मई सीरीज फ्यूचर्स डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करते हुए, सुबह जिस ट्रेजेक्टरी में खुला वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक देकर अब डे हाई की ट्रेजेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ आइडिया। अब एक काम करते हैं, एक दो स्पेस पे मेहर जी का आउटलुक और लेते हैं। मेहर जी, अब मेरे ख्याल से पीएसयू बड़ा अच्छा स्विंग दे रही हैं। अब तक जो पीएसयू नहीं चली थी मेरे ख्याल से वो एकमात्र कंपनी थी कॉनकॉर, आज वो भी डे हाई और ऑल टाइम हाई की ट्रेजेक्टरी में है। पीएसयूज में आपका जो स्टॉक सिलेक्शन है वो क्या है इस वक्त? और अब कई धड़े हैं आपके पास, रेलवे कंपनियां हैं, पीएसयू बैंक्स हैं, ओएमसीज हैं, डिफेंस कंपनियां हैं, रेलवे, आप लोग इस वक्त किस पे कैपिटलाइज कर रहे हैं? बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा पीएसयू में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं, तो मैं एक एक ओवरऑल व्यू नहीं लेता हूँ पीएसयू पे, मैं सेगमेंट बाय सेगमेंट स्टॉक बाय स्टॉक देखता हूँ। क्योंकि एक तरफ हमारे पास ऑयल रिफाइनिंग, ऑयल मार्केटिंग, ऑयल एक्सप्लोरेशन वाली कंपनीज हैं, दूसरी पावर सेक्टर में यूटिलिटीज कंपनीज हैं, तीसरी हमारे पास पावर फिनेंसिंग की कंपनीज हैं, देन वी हैव पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, डिफेंस कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, बहुत सारे सेगमेंट्स में है। तो हर हर एक सेगमेंट को डिस्कस करना शायद पॉसिबल नहीं होगा, बट इन जनरल मैं कहूंगा कमोडिटीज वाली जो कंपनीज हैं वहां पे हम अंडरवेट हैं। मुझे नहीं लगता ये कोई सेक्युलर स्टोरी बन रही है। तो ऑयल एंड गैस है, मार्केटिंग कंपनीज हैं, प्लस जो जो मेटल्स कंपनीज है उसमें हम टैक्टिकल ट्रेड कर सकते हैं, बट इन जनरल कोई लंबा कोई स्ट्रक्चरल प्ले उसमें दिख नहीं रहा। यूटिलिटीज कंपनीज में शायद जो पावर यूटिलिटीज हैं उसमें एक दो कंपनीज ऐसी है जहां पे रिन्यूएबल्स वगैरह की स्टोरी बन रही है, तो वहां पे लॉन्गर टर्म ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स बेटर हो सकते हैं, तो वो हम कंसिडर कर रहे हैं। और इसी जो डिफेंस और पावर इक्विपमेंट लिंक जो कंपनीज है वहां पे हम काफी पॉजिटिव है, क्योंकि वहां पे हमें रनवे काफी लंबा दिख रहा है।
पीएसयू बैंक में जैसे मैंने कहा माहौल अच्छा है, बैलेंस शीट काफी क्लीन हो चुकी है, उनकी जो डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो काफी स्ट्रांग है, लेकिन वैल्यूएशंस काफी हद तक कैचअप हो चुके हैं प्राइवेट सेक्टर के साथ। तो मेरे ख्याल से एक दो बैंक जो है वो अभी भी हम ओवरवेट रहेंगे पब्लिक सेक्टर स्पेस में, बट जनरल एक मैं कहूंगा न्यूट्रल टू वेट रखेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक में। तो ये मैंने ब्रीफली आपको डिफरेंट सेगमेंट्स का व्यू दे दिया। ओके, तो आप इस वक्त पीएसयूज को कैसे आई थिंक रीड कर पा रहे हैं? आपने उसका एक सेंस दिया। मीनवाइल अगर आप निफ्टी को देखें, निफ्टी अब इस वक्त 22,528 डेलो की डायरेक्टरी में आके ट्रेड करता हुआ, ये वही प्राइस है जो कि कल सेकेंड हाफ का एक्सपायरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक ब्रेकआउट पॉइंट था। अच्छा, एक दो स्पेस का यहाँ पर मैं जिक्र महेश जी आपसे और करना चाहूँगा, जहाँ पर नंबर्स अभी भी आई थिंक थोड़े से डिमोरलाइजिंग है, हतोत्साहित करने वाले नंबर्स हैं। हमने एचयूएल के नंबर्स देखे, वॉल्यूम्स की फिगर देखी उनकी, आई थिंक कोई भी सरप्राइज एलिमेंट नहीं क्रिएट कर पाई वो। यहाँ पे आई थिंक अगर आपका स्टॉक सिलेक्शन अच्छा है तो आप पैसा बना रहे हैं। स्टॉक्स लाइक ITC गिविंग स्ट्रॉन्ग स्विंग, गोदरेज CP, कोई आपने एक अप्रोच क्या रखी है? आई मीन बजट से पहले, मानसून के कमेंट्स मतलब आने से पहले, आपका FMCG पे व्यू इस वक्त? FMCG पे व्यू हमारा अभी भी कोई इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। जैसे आपने कहा, जो बड़ी कंपनीज है उसमें वॉल्यूम ग्रोथ के ऐसे कोई बड़े सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं, और जब हमें बाकी सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ दिख रही है तो ये वैल्यूएशन पे FMCG कंपनीज लेना हमें रीजनेबल नहीं लग रहा, तो हम काफी अंडरवेट हैं ये सेक्टर में, मैं कहूंगा। ओके, मेरे जी बहुत बहुत शुक्रिया। वायरलेस आज सारे के सारे अगर आप देखें सेक्टर्स पे और कंपनियों पर आपसे बातचीत हुई, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, सभी इंडस्ट्रीज पे सेक्टर्स पर रखने के लिए। एंड हैव ए नाइस वीकेंड सर, बहुत बहुत शुक्रिया।